हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 14 कॉलेज में। ये वो मतगणना केंद्र है जहां पर गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभा की काउंटिंग की जानी है। इस वक्त क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से, और अब जो राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के एजेंट्स हैं उनके अंदर जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, इसलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन एजेंट्स को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। कोई भी ऐसी वस्तु, पेन या फिर ऐसी वस्तु जो प्रतिबंधित है, वो अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, और जिन एजेंट्स को ऑथराइज किया गया है सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। ये गुरुग्राम विधानसभा का जो मतगणना केंद्र है ये यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि चार अलग अलग ब्लॉक हैं गुरुग्राम विधानसभा के हिसाब से, पटौदी विधानसभा के हिसाब से, और बादशाहपुर और सोना विधानसभा के हिसाब से। अलग अलग ब्लॉक में काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं क्योंकि पहले जब ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई थी तो 3 लेयर सुरक्षा जो है वो वहाँ पर तैनात की गई थी, और आज क्योंकि मतगणना का दिन है तो तमाम जो सुरक्षा है वो पुख्ता की गई है। और अब कुछ ही देर में जैसे ही 8 बजेंगे वैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और 8:30 बजे ईवीएम्स को खोला जाएगा और ईवीएम्स की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ना ही सिर्फ मतगणना केंद्र के अंदर बल्कि मतगणना केंद्र के बाहर भी पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। जो रोड है सेक्टर 14 कॉलेज की उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यानी कि बस स्टैंड से अगर आप सेक्टर 14 कॉलेज को आएंगे तो वहां पर पुलिस की बैरिकेटिंग है। सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को, उसी गाड़ी को इस रोड पर आने की अनुमति है जो या तो काउंटिंग स्टाफ से जुड़ा हुआ हो या फिर जिसको अनुमति जो है जिला प्रशासन की तरफ से दी गई हो। ऐसे ही 32 माइलस्टोन से भी पुलिस के बैरिकेटिंग की गई है, वहां पर भी जो संदिग्ध वस्तु है उसकी जांच की जा रही है, गाड़ियों की जांच की जा रही है, और किसी भी जो अनऑथराइज लोग हैं उनको इस रोड पर आने की अनुमति वहां से भी नहीं दी जा रही है। तो मतगणना केंद्र के अंदर और मतगणना केंद्र के बाहर दोनों ओर सुरक्षा का कड़ा पहरा है, पुलिस मुस्तैद है, तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो जिला प्रशासन की ओर से की गई है। सबको इंतजार है 8 बजे का, जैसे ही 8 बजेंगे वैसे काउंटिंग शुरू होगी और धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएंगे। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।